आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, परंतु एकत्र होते हैं, उनके बाद समझाते हैं कि भाई कोई भी सरकार जो स्वाभिमान को नष्ट करे, पुरुषार्थ को प्रोत्साहित न करे, वो दीर्घ काल में आपके भले के लिए नहीं है। तो आपकी प्रशंसा करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को माना है कि भाई खेती को बढ़ावा देंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो नीतियां बनाई कि हम किसानों को बिना ब्याज का कर्जा देंगे, बहुत अच्छी बात है, खेती को लाभ मिलेगा। हम किसान को समर्थन मूल्य के ऊपर 270 का बोनस देंगे, बेईमानी कर गए उसमें, 270 की जगह 230 दे रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत है, किसानों के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि खेती को हाईटेक करने के लिए हम 70% अनुदान देंगे, सिंचाई में, टपक ड्रिप इरिगेशन में और स्प्रिंकलर में हम 70% अनुदान देंगे, उपकरणों पर वेट कम किया, बहुत अच्छा बात है, मुफ्त में बिजली देंगे, अच्छी बात है, इससे खेती का बढ़ावा मिलेगा खेती को। लेकिन दूसरी तरफ गुरदाबाद यह है कि आप ऐसी नीति ला रहे हैं कि मजदूर खेत से बाहर जा रहे हैं, तो यहां पर आप जितना भी डालेंगे उसका कोई असर नहीं होगा। जैसे आप किसी यहां मेहमान बनकर जाए, वो आपका बड़ा आवभगत करे कि अतिथि देव है, आपको मेरे लिए देवता आ रहे हो, आपकी मैं खूब खातिरदारी करूंगा, देखिए ये दूरा चावल आया हूं देव लोग से, ये रखिए, ये दाल बहुत बढ़िया है बाहर की, इस समय ये जो सब्जी है ये बड़ी महंगी सब्जी है, इसको आप रखिए, मैं दूध लाया हूं उसकी बढ़िया था, अनाज का उत्पादन आधा रह जाएगा और उसके पीछे कारण ये होगा, करते रहो, कभी ना कभी असर होगा उसका। अगर आपकी राह सही है तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। वो है ना, वो अकेले चला था, जानवे मंजिल कारवा आते गए, कारवा बनता गया, बनेगा अगर हम में रहूं। क्योंकि राजनीति आज नियामक शक्ति हो रही है, वास्तव में राजनीति को नियामक शक्ति नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो संसदीय प्रणाली हमने स्वीकार की तो हमारे देश की शक्ति से उपजी हुई नहीं, इसकी जड़ें यहां नहीं। हमारा संविधान आप जानते हैं क्या किया, हमारे बहुत बुद्धिमान लोगों ने संविधान बनाया, लेकिन क्या किया, चूक कर गए, दुनिया भर के संविधान को रखा, उसमें जो अच्छी बातें थी उसको ले लिया, उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 60 सालों में हिंदुस्तान के संविधान में 106 संशोधन हुए, क्योंकि इसमें हमारी मिट्टी की सुगंध नहीं, उसकी जड़ें यहां नहीं। अमेरिका के 250 सालों में उनके संविधान में केवल 2 परिवर्तन हुए, क्योंकि उन्होंने अपने अनुकूल बनाया, अपनी मेधा के अनुसार बनाया। इंग्लैंड में तो लिखा हुआ संविधान नहीं है, लेकिन कभी झंझट खड़ी नहीं होती। तो हमारे देश में कभी भी राज्य सत्ता नियामक सत्ता नहीं थी, आज हो गई है। हमारे जीवन के सारे कार्य व्यवहार में कि आपको शादी की भी होता करो होते करके, आप दुकानदारी कर रहे हैं तो कौन से दिन दुकान पर बंद करो, हफ्ते में एक दिन बंद करना पड़ेगा, रात के 8 बजे तक खोलोगे नहीं खोलोगे, सवेरे कितने बजे खोलोगे तय करती है वो, सदी में बैठा, ये बात मत करिए, गलत बात को मत ले जाइए, जो हम कह रहे हैं उसको समझिए। अगर आपको बहस करने की इच्छा हो तो किसी दिन डिबेट करिए, पिछड़ों के नेता कहते हैं पिछड़ा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये जनतंत्र है, जाति तंत्र नहीं है, नेता वो होगा जिसको जनता स्वीकार करे, वो किसी भी जाति का हो सकता है, ब्राह्मण है इसलिए उसको हाथी बना लो नहीं डाल सकते। हमको भी बहुत होती है और हमको भी दुख होता है, तो इसने हमें इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, तो उसके खिलाफ